नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में वोटों की गणित बिगाड़ने में पार्टियों के बागी उम्मीदवार अपनी भूमिका निभाते आए हैं। वैसे मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। इस क्षेत्र में संख्यात्मक दृष्टि आजादी के बाद से अब तक हुए विधानसभा चुनाव का विश्लेषण किया जाए तो संख्यात्मक दृष्टि से मांडलगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अधिक विजय हुए, लेकिन अपनों ने ही अपनों को लूटा, ये हालात भी देखने में आते रहे हैं। विदित रहे पूर्व के चुनाव में यहां से भाजपा के गोपाल लाल शर्मा, कांग्रेस के विवेक धाकड़ मैदान में थे। टिकट नहीं मिलने से बागी निर्दलीय खड़े हुए उम्मीदवारों ने कांग्रेस प्रत्याशी का गणित बिगाड़ा, जिसे भाजपा के गोपाल लाल शर्मा विधायक बने थे। कांग्रेस का पुराना इतिहास देखा जाए तो दो बार इस क्षेत्र की जनता ने शिवचरण माथुर को भेजा, वे मुख्यमंत्री रहे। एक बार विवेक धाकड़ भवरलाल जोशी को विजय बनाकर भेजा था। कांग्रेस के कुंवर प्रदीप कुमार सिंह को भी मतदाताओं ने विधायक बनाया। साथ ही पार्टी तथा जातिगत वोटों पर पलड़ा इनका भारी लग रहा है। विधायक शर्मा विधायक कोष से करवाए विकास कार्यों से आम जनता से कितने वोट भुना पाएंगे, ये समय बताएगा। साथ ही ब्रह्मांड वोट तथा पार्टी के वोट का समीकरण समय पर क्या रहे, समय पर पता चलेगा। यदि दोनों दल ने प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं तो